1.2 from number second. Okay, now second question kya diya hai? Point M is the midpoint of segment AB. ठीक है, then if AB equals to 8, find length of AM. ठीक है, now let's start first solution. Point M is the midpoint of segment AB. ठीक है, तो पहले सेगमेंट ए बी को ड्रॉ करते हैं. ठीक है, नाउ दिस इज माय सेगमेंट ए बी. अभी यहां पर आप लोगों को क्वेश्चन रीड करना है प्रॉपरली कि आप लोगों को क्या दिया है. ठीक है, जैसे हम लोगों के पास, ठीक है, जब लाइंस ड्रॉ करते हैं ना, तीन अलग अलग तरीके का लाइंस रहता है. ओके, जैसे लेट्स सी. ओके, दोनों तरफ अगर पॉइंट होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं सेगमेंट. ठीक है, एक तरफ एरो और एक तरफ पॉइंट रहेगा, उसको हम लोग बोलते हैं रे. दोनों तरफ लाइन हो, एरो रहेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं. तो ये तीनों में फर्क है, समझ में आ गया? हम लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला है, सेगमेंट, तो इस तरीके से ड्रॉ करना है. ठीक है, एरो मार्क ड्रॉ नहीं करना है, बिकॉज एरो मतलब क्या हो जाएगा, लाइन. समझ में आ गया? यस, ठीक है. सो ए बी हम लोगों ने ड्रॉ किया, देन एम क्या है, मिड पॉइंट. एम मतलब सेंटर में ड्रॉ करेंगे, दैट इज एम इज द मिड पॉइंट. ओके, नाउ ए बी का वैल्यू कितना दिया है, 8. तो मैं लिखता हूं कि ए बी इक्वल्स टू 8. ओके, एंड ये क्या है हमारा, गिवन. ठीक है, लेंथ ऑफ ए एम फाइंड आउट करना है. सो गिवन में क्या बोला था, पॉइंट एम इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए बी. ठीक है, नाउ इफ एम इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए बी, सो देयरफॉर क्या होगा, ए एम मुझे फाइंड आउट करना है, तो ए एम क्या होगा, ए बी का हाफ हो जाएगा. सो आई विल से दैट ए एम इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी. क्यों, बिकॉज एम क्या है, ए बी का मिड पॉइंट. समझ में आ गया? नाउ हाफ इंटू ए बी, ए बी कितना लिखा है, 8. ओके, ये ए एम को सेम एज इट इज, 2 1s are 2 4s are. सो ए एम इक्वल्स टू कितना बच गया, 4. समझ में आ गया? नीचे 1 है, तो 1 मतलब उसका वहां पर हम लोग वैल्यू नहीं लेते हैं, तो सेम ए एम इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर. सो देयरफॉर उसके नीचे लिखना है, बट यहाँ पर स्पेस नहीं, मैं यहाँ पर लिखता हूँ लेंथ ऑफ ए एम. सो आई विल से दैट लेंथ ऑफ ए एम इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, एंड इसको फ्रेम करना है. गॉट इट? यस सर. इस तरीके से आप लोगों को सम्स करना है. ठीक है, ओके, ये हम लोग बोर्ड का पैटर्न यूज कर रहे हैं. चलो कॉपी कर लो. समझ में आया? थंब रेज करो. जो ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं, समझ में आया तो थंब रेज करना है. थर्ड में क्या दिया है, पॉइंट पी is the midpoint of
सेगमेंट सी डी. ओके, इफ सी पी इक्वल्स टू 2.5, फाइन लेंथ सी डी. ओके, सिमिलर सेम टाइप क्वेश्चन. ठीक है, सबसे पहले सेगमेंट देखते हैं, सेगमेंट सी डी. ठीक है, तो सेगमेंट को ड्रॉ करते हैं. ये हो गया हमारा सेगमेंट, क्या है सी एंड डी. पी इज द मिड पॉइंट, तो पी सेंटर में आ जाएगा, पी इज द मिड पॉइंट. सीपी, अब यहां पर क्या दिया है, सीपी का वैल्यू दिया हुआ है. ठीक है, एंड सी डी फाइंड आउट करना है. ठीक है, सो आई विल से दैट सीपी इक्वल्स टू 2.5. ओके, सेंटीमीटर वगैरह कुछ दिया नहीं है, सेम एज इट इज लिखो. गिवन, ठीक है. नाउ पी, आई विल से दैट पॉइंट पी इज द मिड पॉइंट. ये स्टेटमेंट लिखना जरूरी है. ओके, पॉइंट पी इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट सी डी. ठीक है, नाउ पी इसका मिड पॉइंट है, इसका मतलब सीपी, ओके, क्या होगा, इसका हाफ. उसका वाइस वर्सा करते हैं कि सी डी इसका डबल हो जाएगा. हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है, सी डी. तो आई विल से दैट देयरफॉर लेंथ ऑफ सी डी इक्वल्स टू ट्वाइस लेंथ ऑफ सीपी. क्या, सी डी इज ट्वाइस ऑफ लेंथ सीपी. समझ में आ गया, वाइस वर्सा. यस, तो 2 इंटू सीपी, सीपी कितना है 2.5, सो इट विल बी 5. ठीक है, एंड ध्यान दो, अगर क्वेश्चन में सेंटीमीटर मीटर कुछ भी नहीं दिया है तो यूनिट लिखने. समझ में आ गया, सो देयरफॉर फाइंड आउट क्या करना बोला है, लेंथ सी डी. सो आई विल से दैट लेंथ सी डी इक्वल्स टू 5 यूनिट्स, एंड इसको स्केल एंड पेंसिल से फ्रेम करना है. ठीक है, ओके ओके. यहां पर ध्यान दो, अभी जैसे यहां पर सेकेंड सम्स में हम लोगों ने देखे एक सेंटीमीटर मीटर नहीं दिया है, सेम वैसे फर्स्ट वाले सम्स में भी नहीं दिया था. ठीक है, तो वहां पर मैंने सेंटीमीटर लिखा तो उसको सेंटीमीटर मत लिखो, यूनिट्स लिखो. ठीक है, अगर सेंटीमीटर होगा मीटर होगा तो ही लास्ट में सेंटीमीटर या मीटर लिखने का, अगर कुछ भी नहीं दिया है तो यूनिट्स लिखना है. तो करेक्शन कर लो, ओके, फर्स्ट वाले सम्स में यूनिट्स लिखना है. समझ में आया, थंब रेस करो. समझ में आया तो थंब रेस करना है. ओके, फाइन, गुड. नेक्स्ट सम नंबर 4. ओके, नाउ फोर्थ में क्या बोला है, इफ ए बी इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, बी पी इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर एंड ए पी इक्वल्स टू 3.4 सेंटीमीटर, कंपेयर द सेगमेंट्स. क्या बोला है यहां पर, कंपेयर द सेगमेंट. सेगमेंट, नाउ लेट्स सी कंपेयर मतलब क्या. कंपेयर का मतलब होता है ग्रेटर, लेसर, इक्वल. ठीक है, तो हम लोग को ये वाला बताना है कि इसमें से ए बी, बी पी, ए पी, ठीक है, इसमें से कौन सा सेगमेंट बड़ा है, कौन सा सेगमेंट छोटा है. ठीक है ना, तो अभी इसमें ये जो सेगमेंट है ये डिपेंड करता है लेंथ के ऊपर. तो पहले क्या करते हैं हम लोग, जितने भी लेंथ दिए हुए हैं वो सब हम लोग लिख कर लेते हैं. ठीक है, फर्स्ट दैट इज ए बी, ए बी कितना बोला है 5 सेंटीमीटर. देन बी पी कितना बोला है 2 सेंटीमीटर. देन ए पी कितना बोला है 3.4 सेंटीमीटर. ठीक है, इसको मैं नंबर देता हूं 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3,
एंड ये सब कहां से लिखा मैंने, गिवन, क्योंकि टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चन दिया है उसको जब सेम कॉपी करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं गिवन। ठीक है, लेट्स सी नंबर्स देखते हैं। पहला टू सबसे छोटा है, ठीक है, उसके बाद 3.4 उससे बड़ा है, 5 सबसे बड़ा है। तो इन तीनों को मैं पहले कंपेयर करता हूं। आई विल से दैट ओके 2 इज लेस देन 3.4, 3.4 इज लेस देन 5, बराबर है, ठीक है। 5 ये दोनों से बड़ा है, 3.4 5 से छोटा है, 2 से बड़ा है, ठीक है, 2 सबसे छोटा है। समझ में आ गया, 2 किसका मिला है, लेट्स सी, 2 सेंटीमीटर बीपी का है, ठीक है, लेस देन 3.4 किसका है, एपी का वैल्यू है, 5 किसका है, ठीक है, फॉर्म फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। समझा, 2 का वैल्यू बीपी, 3.4 एपी की जगह में, 5 एबी की जगह में, फॉर फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, दैट्स इट। ये हो गया हमारा कंपैरिजन, इजी, यस यस कंप्लीट। कितने लोगों को समझ में आया इजीली एकदम, कमरेस या संगवी? सर आपने पहले 2 लिखा, मतलब 2 सेंटीमीटर, फिर 3.4 और फिर 5 लिखा, तो आपने स्टार्टिंग से 5, 2, 3 ऐसे क्यों नहीं लिखा ऐसे? हाँ ठीक है, वैसा भी लिख सकते हैं। ओके संगवी, यस सर, वैसा भी लिख सकते हैं, तुम ग्रेटर से भी बता सकते हो, स्मॉलर से भी बता सकते हो। समझ में आया? ठीक है, पहला ग्रेटर, फिर उसके बाद थोड़ा उससे छोटा, फिर एकदम छोटा। ठीक है, मैंने क्या किया है, छोटा, फिर उससे थोड़ा बड़ा, फिर एकदम बड़ा। समझ में आया? क्यों? बिकॉज तुम लोग के टेक्स्ट बुक में ऐसा अरेंजिंग दिया है। समझ में आया? लेकिन अगर तुम लोग वैसा लिखोगे ना तो भी चलेगा, वो भी राइट ही है। ठीक है, या कॉपी डाउन फर्स्ट।